हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं NCERT गणित, जिसकी आप 1.2 प्रश्नावली देख रहे थे। आज हम करेंगे इसका 8वां क्वेश्चन। तो देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, और सिद्ध करके बताना है कि यदि कोई फलन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर हो, तो हमें जो है फलन दिया गया है जो वो एफ ए बी रूप में है। मतलब यदि आप ए बी रखते हैं तो आंसर क्या आता है, बी ए आता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, यह एक एक की आच्छादी फलन है। तो सबसे पहले हम फलन को समझ लेते हैं कि फलन क्या है। देखिए, यहाँ पे मान के चलिए एक कोई समुच्चय है, जैसे 1, 2 मान लिया हमने, और बी जो है मान के चले हम ए बी है। यदि आप देखें ए क्रॉस बी यदि आप निकालेंगे तो एक का ए के साथ होगा तो एक ए आएगा, फिर जो है एक का बी के साथ होगा तो एक बी आएगा, फिर 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 अवयव आएंगे। यदि आप बी क्रॉस ए की बात करें तो बी क्रॉस ए क्या होगा, देखिए बी का जब ए के साथ करेंगे तो ए का 1 के साथ होगा, फिर ए का 2 के साथ होगा, फिर b का 1 के साथ होगा, फिर b का 2 के साथ होगा। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ a क्रॉस b हो गया, b क्रॉस a। तो अब आपके पास कोई फलन है जो a क्रॉस b से b क्रॉस a पर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रांत है वो है a क्रॉस b, और जो सह प्रांत है वो है b क्रॉस a। तो देखिए, हमें दर्शाना है कि जो फलन है वो फलन जो है एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो देखिए, हमने लिखा है, हमें फलन दिया गया है एफ ए बी का मान बी ए हो जाता है, और फलन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर है। अब देखिए, यदि हमने कहा कि आप जो है एफ 3, 4 का मान निकालिए, तो क्या आएगा एफ 3, 4 का मान। तो देखिए, जब क्वेश्चन में आपको पता है एफ ए बी का मान जब आप निकालते हैं तो वो पलट जाता है क्रमित युग्म। 3, 4 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 4, 3 होगा। उसी टाइप से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें 1, 2 का यदि मान निकालना है तो 1, 2 का क्या हो जाएगा, आंसर 2, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई फलन दिया गया है। अब हम चेक करेंगे क्या ये एकैकी होगा या आच्छादक होगा। तो देखिए, एकैकी के लिए कौन सा नियम हमने आपको बताया था, x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप देखते हैं एग्जाम्पल लेके कि यदि एकैकी है नहीं है, यदि आपको पता चल जाता है तो एकैकी नहीं होने पर उदाहरण देना है, और यदि एकैकी है तो आप क्या करते हैं f(x1) बराबर f(x2) लेके चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। x1 बराबर x2 होता है तभी कहते हैं एकैकी होगा फलन। तो देखिए, अब हम एकैकी करेंगे। तो एकैकी में हमने नियम क्या देखा था, f(x1) बराबर f(x2) लेना पड़ता था। लेकिन देखिए, यहाँ x1 और x2 हैं, जबकि यहाँ पे आपका फलन a b के रूप में है। मतलब यहाँ x1 अकेला नहीं आएगा, a b एक साथ आएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a1 b1, और यहाँ पे लिख सकते हैं a2 b2। मतलब x1 की जगह आप a1 b1 लेंगे और यहाँ पे आप a2 b2 लेंगे। तो हमने क्या लिखा कि यदि यदि f a1 b1 बराबर लेते हैं हम f a2 b2 के बराबर लेते हैं, और यहाँ पे बता देते हैं जहाँ पे x1 और x2 दो अवयव जो हम लेते थे जिस प्रांत से होते थे, लेकिन यहाँ पे हमने a1 b1 और a2 b2 जो अवयव लिए हैं वो a क्रॉस b से लिए हैं। तो देखिए, हमने लिखा जहाँ पे a1 b1 और a2 b2 जो हमने लिए थे दो अवयव, वो कहाँ से हैं, प्रांत से हैं a क्रॉस b से हैं। अब देखिए, यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखिए एफ ए वन बी वन का मान क्या होगा। जब आपको पता है एफ ए बी का मान पलट जाता है बी ए हो जाता है, तो इसका मान जो होगा क्या हो जाएगा, फिर बी वन ए वन हो जाएगा। इसका मान बी वन ए वन, और इसका मान यदि आप देखेंगे तो इसका मान भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी टू और ए टू हो जाएगा। अब यदि आप देखिए दो क्रमित युग्म बराबर हैं, यदि आप इनकी तुलना कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए तुलना करने पर हमें मिलेगा बी वन का मान बी टू के बराबर मिल जाएगा, बी वन का मान बी टू के बराबर मिल जाएगा, तथा ए वन का मान जो है
ए वन का मान जो है ए टू के बराबर मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पहला यहाँ पे मान पहले मान के बराबर और दूसरा मान दूसरे मान के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वन बी वन क्रमित युग्म जो है वो बराबर आ चुका है ए टू बी टू के बराबर आ गया है। क्यों आ गया? देखिए ए वन बराबर है ए टू के और बी वन बराबर हो गया है बी टू के। तो हमने जो दो क्रमित युग्म लिए थे वो कैसे आ चुके हैं? बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते थे ना, एक एक ही में कि एक्स वन और एक्स टू यहाँ पे दो अवयव अलग अलग लेके चलते थे और लास्ट में सिद्ध कर देते थे कि दोनों अवयव बराबर आते हैं। तो वही बात आपको यहाँ पे करनी है, दो अवयव जो लिए थे वो अवयव कैसे कर देने हैं? लास्ट में बराबर कर देने हैं, और बराबर यदि हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कहता है फलन एफ एकैकी है। तो हमने लिखा आता है फलन एफ एकैकी है। अभी यदि हम बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक क्या होता है? तो देखिए आच्छादक के बारे में हमने आपको नियम बताया था कि सह प्रांत वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव से जोड़ा हुआ होना चाहिए या उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वो कहलाता था आच्छादक। यदि आच्छादक नहीं है तो उदाहरण देना होता था, और आच्छादक है तो x का मान fx में रखने पे y आपको प्राप्त करना होता था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फलन दिया गया है उसमें ऐसा है ही नहीं कि x का मान आप fx में रख सकें तो आपको y प्राप्त हो जाए, और आच्छादक है। क्यों है आच्छादक? क्योंकि आप देख पा रहे हैं a क्रॉस b का कोई भी अवयव यदि आप देखें तो उसका अपोजिट जो है बी क्रॉस ए में है। मतलब यहाँ पे यदि आप एक ए लेते हैं तो उसका आंसर भी उसमें मिल जाएगा, एक बी लेते हैं तो यहाँ पे उसका आंसर भी मिल जाएगा। कोई भी अवयव आप लेंगे तो हर एक अवयव यहाँ पे आंसर मिल रही है, और कोई अवयव खाली भी नहीं बचेगा। तो देखिए आच्छादक में आप क्या लिखेंगे कि ए बी का हर एक अवयव, ए बी का हर एक अवयव के लिए यदि हम देखें तो उसका अपोजिट बी ए बी क्रॉस ए में उपलब्ध है। ए बी यदि ए क्रॉस बी में है तो उसका हर एक अपोजिट, मतलब उसे पलट दिया जाए तो बी ए जो रिजल्ट है वो बी क्रॉस ए में मौजूद है। मतलब यहाँ पे जितने भी अवयव होंगे वो यहाँ के अवयवों का ही तो आंसर बने होंगे ना, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एफ आच्छादक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ प्रत्येक ए बी यदि ए क्रॉस बी में था तो उसके लिए बी ए भी जो है बी क्रॉस ए में हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या लिखा? यहाँ यदि आप कोई भी अवयव ए बी ए क्रॉस बी से लेते हैं और उसको पलटते हैं तो वो बी क्रॉस ए में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कारण है, क्योंकि जो हमें फलन दिया था वो ए बी फलन जो था, ए बी यदि आप रखते हैं तो आंसर आपको बी ए मिलता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ए बी है यदि वो ए क्रॉस बी से है तो बी ए बी क्रॉस ए से होगा, और हर एक अवयव के साथ ऐसा होगा तो कोई भी सह प्रांत का अवयव खाली नहीं बचेगा। तो हमने लिखा आता है एफ फलन आच्छादक फलन है। तो देखिए एफ एकैकी भी हो गया है, आच्छादक भी हो गया है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से एफ फलन एकैकी आच्छादी फलन है। तो हमने लिखा इस प्रकार फलन एफ एकैकी आच्छादी फलन है, और यही हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। देखते हैं अगला नौवां क्वेश्चन है। मान लीजिए समस्त स्मॉल एन कोई भी संख्या को बताएगा, और ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत होंगी के लिए कोई फलन है एफ एन बराबर। अब देखिए जो फलन है दो भागों में विभाजित है, यदि एन विषम है तो आपका फलन होगा एन प्लस वन बाई टू होगा, और यदि एन सम है तो फलन है एफ एन का मान एन बटे दो होगा। और जो परिभाषित फलन है वो एन से एन पे है, मतलब प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं पे है। तो हमें बतलाना है कि फलन एकैकी आच्छादी है, यदि है तो अपने उत्तर को औचित्य के साथ आपको बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए हमें सवाल दिया गया है जो फलन है एफ एन बराबर विषम के लिए जे दिया गया है और सम के लिए जे दिया गया है। फलन जो है एन से एन पे दिया गया है, मतलब आप एन का मान प्राकृत संख्याओं में से लेंगे और आंसर भी आपको प्राकृत संख्याओं में से ही लेना पड़ेगा। अब देखिए हम देखेंगे एकैकी है या नहीं है। तो देखिए फलन जो होता है
एन से एन पे दिया गया है आपको, एन से एन पे दिया गया है कोई भी फलन। मतलब यहाँ पे यदि आप देखें प्राकृत संख्याएं बहुत सारी होंगी, पहले हम एन का मान एक रख के देखते हैं। एक चूंकि विषम संख्या है तो विषम है तो आपको यहाँ रखना होगा, और यदि सम होती तो आप यहाँ रखते। तो देखिए हमने एक लिया, एक को आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1/2, मतलब 2/2 आंसर आएगा एक। तो एक के लिए आंसर क्या आया, एक। अब हम 2 रखते हैं, और 2 यदि हम रखते हैं तो एन का मान 2 रखेंगे तो 2/2 आंसर फिर एक आया। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि एक रखा है हमने तो आंसर एक आया, और 2 रखा तो भी आंसर एक आया। मतलब जो फलन होगा वो एक एक ही नहीं हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं f1 का मान भी 1, f2 का मान भी 1। और यदि कोई फलन एक एक ही नहीं है तो हमें उदाहरण के द्वारा दर्शाना होता है, या पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक एक ही में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमने एक लिया और 2 लिया, और जे लिए हमने प्रांत से मतलब n से। तो यहां पे हमने लिखा यहां 1 और 2, 2 ऐसे अवयव लिए जो कि प्राकृत संख्याओं से हैं। फिर क्या किया, इसके बाद हमने एक बार एक रखा तो f1 का मान, तो एक कहाँ पे रख पाएंगे आप, विषम है इस वजह से यहाँ पे रख पाएंगे, तो 1 + 1/2। और आगे सॉल्व किया तो 2/2, 2/2 का मान कितना हुआ, 1। अब देखिए यदि हम n का मान 2 रखते हैं तो देखिए हमने लिखा था f2 का मान, यदि हम देखें तो देखिए f2 का मान यदि देखते हैं 2 सम है इस वजह से यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, तो 2/2 आएगा, 2/2 भी कितना आया, 1। तो आप देख पा रहे हैं कि f1 का मान भी 1, f2 का मान भी 1, लेकिन आपको पता है कि जो 2 अवयव हम रख रहे थे 1 और 2, यह अवयव बराबर भी नहीं थे, अतः फलन एक एक ही नहीं है। तो हमने लिखा था फलन f एक एक ही नहीं है। अब यदि हम आच्छादक की बात करें तो देखिए आच्छादक में आप क्या पढ़ चुके हैं कि सहप्रांत जो होता है उसमें बाई जो होते हैं वो प्रत्येक जो है एक्स के किसी ना किसी अवयव के साथ जुड़े होने चाहिए या प्रतिबिंबित होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसे आच्छादक कहते हैं, और यदि आच्छादक नहीं है कोई फलन तो उदाहरण देके बताना है, और आच्छादक है तो एक्स का मान fx में रखने पे बाई उत्तर प्राप्त करना है। तो यहाँ भी यदि आप देखें जो आपका सहप्रांत है वो एन है, तो n की जितनी भी संख्या है सबकी सब संख्या यहाँ आंसर बनाई जा सकती हैं। तो देखिए कैसे बनाई जा सकती हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे आप 200 आंसर बनाइए तो 200 भी आप आंसर बना सकते हैं। तो क्या रखना पड़ेगा आपको, 400 रखना पड़ेगा। तो देखिए यदि आप 400 रखेंगे तो यहाँ 400/2, 200 आंसर बन जाएगा। आपको यदि हमने कहा 5 आंसर बनाना है तो आप यहाँ 10 रख दीजिए, 10/2, 5 आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ हर एक संख्या x का प्रतिबिंब बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना, मतलब f आच्छादक है। और देखिए हमने पढ़ा है यदि आच्छादक है तो x का मान fx में रखना होता है। तो आच्छादक के लिए अब x का मान fx में कैसे रखेंगे, यहाँ पे x है ही नहीं और fx भी नहीं है, तो आप क्या करना, x की जगह n है तो n का मान हम fn में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ तो fn के लिए 2 फलन है, तो इसके लिए हम 2 स्थिति बनाते हैं, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। तो यहाँ 2 स्थितियों के अंतर्गत हमें सवाल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा पहली स्थिति यदि n का मान विषम है, यदि n का मान हम विषम लेते हैं, यदि n विषम है तब के लिए हमें पता है जो फलन है fn बराबर वो क्या फलन है, n + 1/2 है। अब देखिए fn को हम y मान के चलते हैं यदि, तो फिर y बराबर n + 1/2 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से त्रिक गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y/1 करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा n+1 और यहाँ पे मिलेगा हमें 2y, मिल जाएगा ना। देखिए यदि आप n का मान निकालना चाहते हैं तो n का मान फिर कितना हो जाएगा, 2y - 1 हो जाएगा। अब देखिए और हमने आपको बताया था x का मान हमें fx में रखना होता है, लेकिन यहाँ x की जगह n है तो n का मान हम fn में रखेंगे।
तो देखिए हमने लिखा है एन का मान एफ एन में रखने पर, देखिए एफ लिखा हमने और एन की जगह है एन का मान कितना था 2y-1, और यहाँ पे देखिए एन की जगह हमें एन का मान लिखेंगे तो 2y-1, तो एन का मान लिखा, फिर प्लस वन है प्लस वन लिखा और फिर बटे दो। अब देखिए यदि आप कोष्टक खोलेंगे तो एक से एक कट जाएगा, 2y/2 आपको प्राप्त होगा, और 2 से 2 यदि आप काट देते हैं तो y प्राप्त होगा। मतलब एफ एन बराबर जो हमने n+1y2 लिया है, यह है एक आच्छादक फलन है। तो देखिए हमने लिखा था है एफ आच्छादक फलन है। अब इसकी सेकेंड स्थिति हम करेंगे। सेकेंड स्थिति कब के लिए है? जब एन का मान जो होता है सम होता है, क्योंकि हमें फलन जो होता है विषम और सम दो कैटेगरी में दिया गया है। तो विषम के लिए तो हमने आच्छादक कर दिया, अब एन का मान सम लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि एन का मान सम है, यदि एन जो है सम लिया जाए, तो फिर देखिए यदि एन सम है तो हमें पता है एफ एन का मान n/2 होता है। एफ एन का मान n/2 होता है। अब एफ एन को ही हम वाई कहते हैं, तो वाई बराबर n/2 यदि यहां से त्रिक गुणा कर देते हैं तो एन बराबर कितना आंसर आएगा, एन बराबर 2y। और एन का मान फिर कहाँ पे रखना होता है, एफ एन में रखते हैं। तो देखिए एन का मान एफ एन में रखने पर, तो देखिए एफ लिखा हमने और एन की जगह है एन का मान कितना रखना है, 2y बराबर एन की जगह कितना लिखेंगे, 2y, और फिर 2y/2 में क्या है, 2 है, 2 लिखा। अब देखिए 2 और 2 2 कट जाते हैं तो यहाँ पे y प्राप्त हो गया, और यदि हमें y प्राप्त होता है तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा फलन एकैकी नहीं था लेकिन आच्छादक जो है हो गया है। तो लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे कि जो फलन आच्छादक तो है लेकिन एकैकी नहीं है। तो देखिए हमने लास्ट लाइन में लिखा इस प्रकार, दिया गया फलन एफ आच्छादक तो है लेकिन एकैकी नहीं है। तो इस प्रकार 8 और 9 दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियोस में हम आगे के सवाल कराएंगे। धन्यवाद।